लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के धारचूला में सीमा सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो चुका है। धारचूला विधायक हरीश धामी ने सड़क चौड़ीकरण कार्य में अनुमति से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है अगर इसी तरह के विस्फोट होते रहेंगे तो धारचूला को दूसरा जोशीमठ बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि धारचूला का क्षेत्र भूस्खलन के लिहाज से काफी संवेदनशील है और मॉनसून के दौरान भी कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दरअसल धारचूला में सीमा सड़क के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सीमा सड़क के चौड़ीकरण में अनुमति से ज्यादा विस्फोटक के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद मौके का जायजा लिया था, जिसमें उन्होंने पाया कि बलुआकोट से तवाघाट तक 36 किलोमीटर सीमा सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन संबंधित कंपनी अनुमति से ज्यादा विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में यदि विस्फोट जारी रहता है तो अति संवेदनशील एलधार भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय हो जाएगा और धारचूला निवासियों के लिए तबाही का कारण बनेगा। ऑल वेदर के नाम पे एक सड़क कट रही है, उसमें हिलवेज एक कंपनी है जी, जिसके द्वारा इतना हैवी ब्लास्ट किया जा रहा है और वहाँ पर तमाम नियमों को ताक में रखा गया है जी। मैं तो ये कहूंगा के द्वारा जो हमारी बिहार घाटी की जो सड़क काटी गई है जी, जोलिंगकोंग जो एरिया है हमारा 16-17,000 फीट की हाइट में है, वहाँ पे जो भोजपत्र के जंगल थे जी, वो तमाम खत्म कर दिए गए जी। और जिसको हम एक कश्मीर के रूप में देखते थे, छियालेक में जी, कश्मीर के रूप में और फूलों की घाटी के रूप में हम देखते थे, बड़े सुंदर फूल खिलते थे वहाँ पे। आप अगर कभी वहाँ पे जाएंगे तो बिहारों ने उस हमारे छियालेक की सुंदरता को ऐसे जो है वहाँ पे वो कर दिया है, खरोच दिया है जी, कि जहाँ देखेंगे वहाँ मशीन खोद के जो है पूरे उसकी जो है सुंदरता को खत्म कर दिया है, उसको पूरा जो है डैमेज करने का काम किया है। कहना चाहूंगा कि विकास के लिए जी, थोड़ी बहुत जो है परेशानियां भी जरूरी होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम जो है लाशों के ढेर में अगर हम किसी शहर को बसाने जाएं या किसी विकास को करना जाएं तो हम वो उचित नहीं है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक हरीश धामी का साफ कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो धारचूला दूसरा जोशीमठ बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वे धारचूला को दूसरा जोशीमठ बनने नहीं देंगे, इसके लिए वे संघर्ष करेंगे ताकि सड़क चौड़ीकरण में लगी कंपनी विस्फोटकों का इस्तेमाल तय सीमा के अनुसार करे। उनका कहना है पिछले साल मॉनसून के दौरान आयलधार में भारी भूस्खलन के कारण 6 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके थे और 2 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। भूस्खलन के कारण संवेदनशील क्षेत्र से निकाले गए खारी बाजार और कुटियाल खेड़ा के लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। विधायक हरीश धामी ने बताया कि उन्होंने मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है, साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि वो हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी को सड़क चौड़ा करने के लिए कम से कम विस्फोटक का इस्तेमाल करने का आदेश दे। उन्होंने कहा है कि अभी लोगों को जोशीमठ की हालत नजर आ रही है। पिथौरागढ़ के मुंशारी, धारचूला, मल्ला जोहार, दारमा, चौदास व्यास के साथ ही कालीगोरी और रामगंगा नदी के किनारे व आसपास बसे तमाम गांवों की स्थिति भी भविष्य में जोशीमठ जैसी हो सकती है। सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधायक हरीश धामी ने उपवास रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि वे 19 जनवरी को धारचूला उपजिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर एक दिन का उपवास रखेंगे। विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री धामी से आग्रह किया कि भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए अभी से इन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाए ताकि उचित कदम उठाकर जन हानि को रोका जा सके। अब देखना होगा कि सरकार विधायक हरीश धामी के इस संवेदनशील मामले पर कोई उचित कदम उठाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।